यार, नेटफ्लिक्स अपनी पासवर्ड शेयरिंग्स को रोकने के लिए नए प्लान्स लेके आया है। हाँ बिल्कुल सही समझे हो, अब से तुम अपने ताऊ के लड़के का नेटफ्लिक्स नहीं चला सकते, 200 रुपए दे के खुद का खरीदो सालो। ऑब्वियसली ये डिज्नी प्लस के बढ़ते डोमिनेंस और अपने घटते रेवेन्यू को बढ़ाने का एक उपराला है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो वेल ये काम कैसे करेगा वो एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसके लिए आप देख रहे हो डायरेक्ट पॉइंट और हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है, जिसको तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। धीरे धीरे मैं समझने लग पड़ा हूँ कि यूट्यूबर्स वीडियो के स्टार्टिंग में भीख क्यों मांगते हैं, क्योंकि ससुरे तुम लोग सुनते नहीं हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, एक बार चेकआउट तो करो, तुम फिर बस उस पेज पे प्यार बरसाने आओगे। पेज को खोले हुए 3 साल हो चुके हैं, अभी तक 400 फॉलोवर्स नहीं हुए हैं, प्लीज जाके कर लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, और भैया नेटफ्लिक्स का सीधा है कि एक घर में एक नेटफ्लिक्स अकाउंट चले, और वो करेंगे कैसे, आपके आईपी एड्रेस से। तो बेसिकली आप जिस आईपी एड्रेस से अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, यानी आपका वाईफाई का आईपी एड्रेस, मतलब जिस वाईफाई के थ्रू आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट परचेज किया गया है, उससे अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तभी नेटफ्लिक्स वर्क करेगा, वरना ब्लॉक कर दिया जाओगे। मान लो आपने हरिद्वार में बैठ के नेटफ्लिक्स का अकाउंट परचेज किया, लेकिन आपका दिल्ली वाला दोस्त बोल रहा है भाई मेरे को भी नेटफ्लिक्स दे दे, जब वो आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट अपने फोन में लॉगिन करने की कोशिश करेगा दिल्ली से, ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आईपी एड्रेस मैच नहीं होगा। अब आप कहोगे कि फिर हमारा क्या होगा, हमें भी कभी ट्रैवल करना पड़ सकता है, तब तो हमारा आईपी एड्रेस मैच नहीं होगा, क्योंकि आपका फोन का इंटरनेट कनेक्शन, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और घर का वाईफाई है, दोनों का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, तो ऐसे में तो आप भी ब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन इस पे भी नेटफ्लिक्स ने जुगाड़ कर रखा है। मान लो जिस डिवाइस से आपने अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट खरीदा, चाहे वो फोन हो या लैपटॉप, उसकी डिवाइस आईडी, आईपी एड्रेस नेटफ्लिक्स याद करके रख लेगा, ताकि जब आप ट्रैवल करो, मान लो आप हरिद्वार से देहरादून निकल गए या शिमला निकल गए, डिवाइस आईडी याद रहेगी और नेटफ्लिक्स उस पे अलाउ करेगा। इसलिए जब आप ट्रैवल कर रहे होगे, आपका डिवाइस जिसमें नेटफ्लिक्स लॉगिन था आपके होम वाईफाई से, वो चलता रहेगा। लेकिन इसमें भी एक लूप होल है, आपको पूरे महीने में 31 डेज के अंदर अंदर एक बार अपने होम नेटवर्क जिससे आपने अपना नेटफ्लिक्स परचेज किया है, उससे एक बार अपने डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा ये जारी रखने के लिए, वरना नेटफ्लिक्स ब्लॉक हो जाएगा। अब एक कंडीशन और आती है, मान लो आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, मान लो अपने ताऊ के घर रहने गए हैं, मान लो आपको नेटफ्लिक्स उनके टीवी पे यूज करना है या फिर किसी होटल के टीवी पे यूज करना है, तो नेटफ्लिक्स आपको टेम्पररी कोड देगा जिससे आप लॉग इन कर पाओगे, और हफ्ते तक वो वैलिड रहेगा और आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट आपके घर के बाहर लॉग इन हो जाएगा। तो बस यही था इनकी पासवर्ड शेयरिंग स्ट्रेटेजी। अब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी तक मुझे नहीं लगता है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है देखा जाए तो। सबसे मेन चीज हो गई वाईफाई नेटवर्क। अब इंडिया में हर घर में वाईफाई नहीं होता, तो मान लो आपने अपने फोन से अगर नेटफ्लिक्स खरीदा है, तो इस हिसाब से आप अपने टीवी पे लॉगिन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अल्टीमेटली एयरटेल, जियो या आइडिया के इंटरनेट से सब्सक्रिप्शन परचेज किया होगा, अपने वाईफाई रूटर से नहीं। मगर मान लो अगर आपके पास वाईफाई रूटर है भी, तो यहाँ पे एक लूप होल निकल के आ सकता है, यानी देसी जुगाड़। तो बेसिकली अगर आपको फिर भी पासवर्ड शेयरिंग करनी है, जहां तक मैं समझता हूँ, तो आप अपने दोस्त को अपने घर बुलाइए, उसका फोन अपने वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और लॉगिन कर डालो, नेटफ्लिक्स काम करेगा, और बस अगले 31 डेज तक ये काम करेगा, उसके बाद आपके दोस्त को दोबारा आपके घर पे आके आपके वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि नेटफ्लिक्स चलता रहे। पर इतने चक्रों में पड़ना ही क्यों है, 200 का है खरीद लो, क्या ही जाता है। तो बस गाइस यही थी नेटफ्लिक्स की रामकथा, मैं जितना शॉर्ट हो सकता था उतना मैंने बता दिया है, जो भीख मैंने मांगनी थी वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मांग ली है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आता ही रहता है मेरे चैनल पे। और दूसरा ये है कि कमेंट किया करो यार, एंगेजमेंट बढ़ाओ, चैनल डेड हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं बेरोजगार नहीं रह